हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक एड एनर्जिक ड्रग, जो कि डीफॉर्म सेकंड ईयर का टॉपिक है। और ये जो है हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, सेकंड पार्ट जो है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखते हैं जो है इसमें जो ड्रग बची हुई है। सबसे पहले ड्रग है सालबुटामॉल। सालबुटामॉल का जो ब्रांड नेम है वो अस्थालिन है। आप देख रहे हैं ये सालबुटामॉल है और ये जो है थियोस्थालिन है। बट ये जो है थियोस्थालिन है और ये अस्थालिन 2mg, अस्थालिन 4mg ऐसे आती है, ठीक। तो ब्रांड नेम इसका अस्थालिन है। और केमिकल नेम की बात करें तो (1)(1)(4)-(3)-(2)-ब्यूटाइल-अमीनो-इथेनॉल, ठीक। और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे OH HO H2 C, ठीक। CHO H CH2 NC CH3 CH3, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका नेचर देखते हैं तो वाइट कलर का, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक, पाउडर होता है। और बिटर टेस्ट होता है, इसका टेस्ट बहुत बिटर होता है। और सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो स्पारंगली सॉल्युबल इन वाटर, इस वाटर में स्पारंगली सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 156 सेंटीग्रेड पे कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टू दिस सालबुटामॉल टू दी बोरेक्स सॉल्यूशन एडिशन, बोरेक्स सॉल्यूशन के साथ जब ऐड करते हैं, ठीक, फोर अमीनो फिनाजोन या पोटेशियम फेरिक साइनाइट एंड क्लोरोफार्म को, तो ये प्रोड्यूस रेड कलर, ठीक, रेड कलर या ऑरेंज कलर ये प्रोड्यूस करता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, यह कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर में इसको हम रखते हैं। और यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ दी क्रोनिक अस्थमा, किसी प्रकार का जो अस्थमा होता है जिसमें सांस दम घुटता है उसमें हम यूज करते हैं। और टू दी अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर, मतलब अधिपरपक भ्रूण या अरे बच्चा, अधिपरपक प्रसव कह सकते हैं, ठीक, या फिर इन दी 39-25% ऑफ दी काज इन दी काजेज केस वो आज ए अनफेक्टेड बट इन दी रिमाइंडर देयर वाज ए सिग्निफिकेंट अरेस्ट ऑफ दी लेबर इन 33-21% लेबर वाज करप्ट मोर 7 डे बट प्रीमेच्योर बर्थ फॉलोअर्ड 66 और 42% लेबर वाज दे अरेस्ट एमंग बर्थ मेच्योर इन्फेंट बेट, एक मेच्योर इन्फेंट का बेट जो है 200-500 ग्राम्स होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है हम अपरिपक्व प्रसव में भी इसका यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरी ड्रग इसी क्रम में है, ये तो पहली सालबुटामाइन एपीहेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। अब एपीहेड्रिन एल्कोलाइड ऑप्टन फॉर द प्लांट एपीहेड्रा के प्लांट से ये एल्कोलाइड क्या करी जाती है, ऑप्टन की जाती है, यानी प्राप्त की जाती है, ठीक। और इट इज ए प्रिपेयर्ड बाई सेंथिस रूट आल्सो, ठीक, ये प्रिपेयर की जाती है। स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में ये जो है COH CH CH3 और HCl, ठीक। और ब्रांड नेम की बात करें तो ये जो है इसका ब्रांड नेम क्या है, टेडरल इपीहेड्रेक्स या फिर इपीहेड्रेक्स, ठीक। केमिकल नेम की बात करें तो (2)-methyl-amino-1-phenyl-propane-1-OL, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर इसका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है विथ बिटर टेस्ट होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन एथर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 127-120 सेंटीग्रेड पे कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एपीहेड्रिन सॉल्यूशन को गिव्स पर्पल कलर
कॉम्प्लेक्स विद द कॉपर, कॉपर के साथ ये पर्पल कलर परफॉर्म करता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन इफेक्टेड ऑफ द लाइट, ये लाइट से अनस्टेबल हो जाता है, इसका प्रभाव लाइट का प्रभाव पड़ता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो टाइट एंड कंटेनर में इसको डार्क पैलेस पे रखते हैं। यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट आप उसी की तरह सेम है, इसका यूज जो उसमें बताए हैं साल्बुटामॉल में इसका भी यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो ये टेबलेट, सिरप, नोजल, ड्रॉप ये सब फॉर्म में उपलब्ध है। इसी क्रम में दूसरी ड्रग है सूडो एपिहेड्रिन या हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो सूडो एपिहेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि आइसोमर होती है, ठीक, आइसोमर ऑफ एपिहेड्रिन, एपिहेड्रिन की आइसोमर होती है। और ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ब्रांड नेम इसका जो है एक्टिफाइड है और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाइट और छोटे छोटे क्रिस्टलाइन में पाउडर है और ऑर्डरलेस है। ठीक, और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसी की तरह है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 182 to 186 सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दी सूडो एपिहेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड सो रिएक्शन ऑफ दी क्लोराइड, क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करता है, दिखाता है। ठीक, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, डीकम्पोज बाई लाइट। ठीक, और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर में, डार्क पैलेस में इसको रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। यूजेज की बात करें तो ब्रॉन्चियल डीकोंगलेंट क्या होते हैं, इसको आप या सर्दी खांसी की दवा बोल सकते हैं या फिर हेल्प रिसीव सेप्टिम नोज सिम्टम्स। ठीक, और फार्मूलेशन की बात करें तो ये जो है टेबलेट इंजेक्शन इन्हेलर फॉर्म में उपलब्ध है। अब इसी क्रम में दूसरी ड्रग है, ये ड्रग है, ठीक, ये ड्रग जो है टारबुटालिन हाइड्रोक्लोराइड, बहुत छोटी ड्रग है, आप याद कर सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम बायरिसिनाइल है, बायरिसिनाइल इसका ब्रांड नेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, उसी की तरह ये भी है, इसका टेस्ट भी बिटर है। ठीक, और सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसी तरह से है। और जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका दोनों का सेम है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो भी सेम है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो जो है ये उसी की तरह इसका स्टोरेज कंडीशन है, इसकी तरह, इसकी सूडो एफेड्रिन की तरह। ठीक, और उसी की तरह यूज है। और फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें आप टेबलेट इंजेक्शन इन्हेलर उसी की तरह लिख सकते हैं। ठीक, नहीं उसमें जो सिरप लिखते हैं। ठीक, तो जो है फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।